सब लोग का स्वागत है मेरे साथ आज है। मेरा नाम है कौशिक और मैं राहुल दास ने बताया। तो आज कुछ खास वीडियो है आप लोगों के लिए, खास करके। और ये भाई साहब नहीं, मेरा दोस्त है, ये पहली बार वीडियो में यूट्यूब में आ रहा है मेरे साथ, जो मेरे साथ इतने दिन था पर किसी वीडियो में आपने नहीं देखा, आज पहली बार आप देखोगे और शायद और आने वाले बहुत वीडियो में इसे देखोगे। तो ये नया है, ये भी बहुत कुछ जानता है मेरे तरह। जो सेल्फी स्टिक का लाइट जो आपने देखा है, सेल्फी स्टिक में लाइट फ्लैश, वो इन्होंने बनाया था। और आज है Redmi 3S और Redmi Note 3 का कंपैरिजन वीडियो स्टेप बाय स्टेप। एंड इसका जो Note 3 तो और इसके साथ Plus जो है, जो 2GB, हाँ जो 2GB और 32GB रोम के साथ आता है, जो ऑफलाइन मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट नहीं, सही बात उन्होंने पक्का है। गुड। सो ठीक है, तो चलिए शुरू करते और एक ही साथ फिर से एक बार बोल दिया जाए, चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो दोनों ही मेड इन इंडिया वाला लिखा है, आप जानते हैं इसका कंटेंट कैसा होता है। यहाँ पर मेरा नोट 3 और हमारा 3S, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह कुछ बातें, कुछ खास बातें नहीं। तो ये मैंने बहुत दिन पहले खरीदा, ये नोट 3 लगभग 2 महीना हो गया। और मेरे वाला कल ही खरीदा है हमने, ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं है। अच्छी, तो ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप कंटेंट को देख लेते हैं, खोल लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये भाई साहब दिखाया गया क्या है, तो सबसे पहले मैं खोलता हूँ पर आपके सामने। ये कंटेंट कुछ नहीं है, डब्बा अच्छी देखने में, फोन की फोटो सामने, और ये आप देख सकते हैं 5.5 इंच का नोट 3। पीछे फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट आप जानते हैं ये। और ये कुछ इसका फोन को कंटेंट क्या क्या मिलता है वो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर इसके कंटेंट को मिलता है पहले जो गाइड बुक वगैरह होता है, एक इमेज एक्टर पिन टूल देख सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, कुछ ज्यादा EMI ज्यादा कुछ नहीं भी देता है, लेकिन चलता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक डाटा केबल और चार्जर, जो एडाप्टर होता है जो 5 वोल्ट का है। हम एक का फास्ट बूट और एक का सेकंड बूट, बहुत सारा सेकंड बूट थर्ड बूट कितने बार मैंने बंद किया था तुमने तो पता नहीं। ठीक है, तो हम इसे ऑन करते हैं, आपको दिखाते, उसके बाद हम इसको थोड़ा स्पेसिस फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ लगा लेंगे, कुछ देख लेंगे, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, चलिए आपके सामने हम फास्ट बूट देते हैं। नहीं, सेकंड बूट, सेकंड फास्ट बूट आप छोड़े ना, फास्ट बूट जल्दी हो गया, ये भी जल्दी हो गया। चलिए देखते हैं मी का वही लोगो, वही mi.com। अभी तक EMI एंड्रॉइड आ रहा है यार, अभी तक बहुत लेट होता है खुलने में, EMI में EMI में एक ही प्रॉब्लम लेट होता है, लेकिन तो इसी में बहुत जल्द हो जाता है। इसी दौरान मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये अभी हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप देख रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। नीचे में लिखा देख सकते हैं Redmi 2 Prime का कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी विदाउट फ्लैश, बहुत अच्छा Redmi 2 Prime का ये कैमरा है। इसके प्राइस पर, इसके प्राइस में आजकल तो Redmi 3 आ चुका है, फोन भी ऑन हो गया हम दोनों का। लेकिन फिर अब पहले बड़ा भाई का देखते हैं, बड़ा भाई का फोन कैसा है। तो ठीक है, तो हम अभी जो करेंगे आप लोगों को बताएंगे इसके स्पेसिस, पहले मैं नोट 3 का बताता हूँ। तो नोट 3 में आपको मिल जाता है 60 मेगापिक्सल कैमरा जो डुअल टेन एलईडी फ्लैश आता है, फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल कैमरा जो विदाउट फ्लैश आता है, और 5.5 इंच मतलब 5.5 इंच का एक स्क्रीन आपको मिल जाता है, डिस्प्ले अच्छा फिंगरप्रिंट सेंसर का आता है, ये भी हाथ में अच्छा आता है पर साइज थोड़ा बड़ा है उसका, जो वो अच्छा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, 2GB रैम के साथ आता है, 16GB रोम मिलता है आपको, और हीलो एक्सटेंड का एक प्रोसेसर आपको मिल जाता है जो 1.7 या 8 GHz का शायद आता है। तो ठीक है, ये चीज स्नैपड्रैगन का, दोनों में आपको स्नैपड्रैगन को देखना मिलेगा, और इसका जो गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। तो इनो भाई आप बताएंगे, कौशिक भाई आप बता दीजिए अपना फोन का फीचर्स। 5 इंच का है, मैंने तो बता ही था 5 इंच का है, पीछे देखिए फिंगरप्रिंट सेंसर कैमरा एंड फ्लैश,
इसका जो गोल्डन कलर है मुझे बहुत पसंद है, दोनों में ही गोल्डन, गोल्डन दोनों ही अच्छी बात है। चलिए देखते हैं, मैंने तो पासवर्ड दे ही दिया, तो उन्होंने कॉन्फिगर कर डाला, मैं भी कर डालता हूँ। देख सकते हैं इसका जो कैमरा है बैक ये थोड़ा अलग से, ये मिडिल में आपको देखने को मिलता है जो फाइव इंच का, वो एक वो आईफोन स्टाइल वाला जो अभी तक अब आजकल सभी फोन को देखने को मिलता है। तो इस कैमरा का 30 मेगापिक्सल आता है एंड 5 मेगापिक्सल फ्रंट में आता है। इसमें लाइट सेंसर तो है एंड कुछ प्रॉक्सिमिटी सेंसर या वगैरह वगैरह। तो हम अभी वीडियो को पॉज करेंगे और सब फीचर्स ठीक ठाक करके और सब कुछ लगा लगा के आपको कंटेनिंग दिखाएंगे दोनों फोनों में। ठीक, चलिए। और हम दोनों फोनों में ही, आपके फोन में हो गया क्या? आपके फोन में सब कुछ? हाँ, दोनों फोनों में भी सेंसर वगैरह कुछ जो जितना भी जाक कुछ सब कुछ लगा लिया, सिम कार्ड वगैरह सब कुछ लगा लिया, 4G जियो को लगा लिया, दोनों फोन में जियो सपोर्टेड है। जियो बहुत दिनों से हमको फ्री नेट दे रहा है एंड बहुत अच्छा चल रहा है नेट, लेकिन थोड़ा स्लो हो गया। कॉल ड्रॉप्स आता है, कॉल ड्रॉप्स बहुत आता है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपको कॉल ड्रॉप्स 3 कम मिलेगी और जहां पर तो मैं अभी एक पॉपअप शो करूंगा, ऊपर से देख सकते हैं पॉपअप शो किया। तो इस पॉपअप में आप लिख सकते हैं कुछ भी आप चाहे, अगर कुछ वीडियोस वगैरह आपके, मैं बहुत सारे वीडियोस को पॉपअप देता हूं, आप जाके वहां देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लाइक सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। तो वो बात की बात। तो अभी जो बात करने जा रहे हैं, जो हम फिंगर सेंसर एट फर्स्ट हमको फिंगरप्रिंट सेंसर टेस्ट करना है। चलिए, एक मेरा तो नहीं हुआ, उसका प्रेस नहीं हुआ, आप बोलिए। दोनों फोन में अच्छा है, तो अब हम कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। आपको कुछ सैंपल्स यहाँ पर आएगी, कुछ HDR का सैंपल्स आएगा, जो नोट 3 वाला का कुछ होगा और कुछ 3S वाला का होगा। तो हम कैमरा आपको दिखाते हैं, दोनों फोन में कैमरा लगभग एक ही आपको देखने को मिलता है। हम दोनों दिख रहे हैं, हेलो दोस्तों, लेकिन ये 13 मेगापिक्सल है, 16 ये 60 वाला है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको लोगों के लिए, ये है कंडीशन मेरे रूम का, मैं एक फोटो खींच के बताता हूँ। हम दोनों एक ही फोटो को क्लिक करेंगे और विद फ्लैश के साथ, आप भी क्लिक कीजिए। मैंने तो किया नहीं है, मैं तो करेंगे। खबर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत ही बुरी खबर है, हमारे जो Redmi 3S है भाई, कैमरा नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है अपना कैमरा। Redmi 3S हैंग हो गया यार कैमरा, एक फास्ट फोटो क्लिक करने में। ये कैसा फोन है यार, इससे तो रोंडी नोट चाहिए। अच्छा है भाई, 1000 से ज्यादा देखिए ये ले लो यार, 16 GB ज्यादा के लिए क्या जरूरत है वो फोन लेने का। मैं उससे फोन ले लूंगा, मेरा वाला दे दूंगा। ठीक है, तो ये इसका कैमरा सब मैं फिर से रिपोर्ट करता हूँ, लगता है ठीक हो जाएगा। तो रिपोर्ट करने के पहले मैं यहाँ पर नोट 3 का कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर हेलो, यहाँ पर मैंने फॉन्ट्स का एक सैंपल लिया है, यहाँ पर ब्राइटनेस जरा बढ़ा दो यार, यहाँ पर देख सकते हैं क्या फोटो आई, मस्त फोटो आई यार, मस्त फोटो, 16 MP के यहाँ पर लो लाइट कंडीशन में इतना अच्छा फोटो मैंने तो कभी नहीं दिखाई यार। तो मैं फॉन्ट का कब लूंगा, ठीक है, मैं कितना फास्ट क्लिक करता है देखते हैं, तो मन भर जाता है यार क्या यार। मेरा तो Redmi 2 Prime है, ये तो नया लिया, उससे इससे मेरा Redmi 2 Prime ही अच्छा है। हाँ यार, इसका Redmi 2 Prime है, उसी से हम फोटो शूट कर रहे हैं अभी, सॉरी वीडियो शूट कर रहे हैं। चलो अब तो आ गए, एक फोटो क्लिक हो गया यार, शटर साउंड बाद में आई, पहली शटर हो गया। देखो ये मेरा Redmi 2 Prime है, जो वीडियो कर रहा है, दोनों को देखने में एक ही लगता है यार। ठीक है, चलिए तो तनु आप दिखाएंगे 4G, देख सकते दोनों फोन में जियो 4G आ रहा है, HD के साथ, HD उसके साथ HD यहाँ पर है, दोनों फोन में MU8, मेरा दोनों फोन में MU8, भाई आपका MU8 दिखा दीजिए ऊपर से। ओ MU8 MU8 नहीं MU8 नहीं MU8.0.3
हाँ वही बात वही, आप सेटिंग्स वगैरह दिखा देते, एक ही सेटिंग्स आपको देखने को मिल रहा है, आपको फोटो शो होगी इसकी, देख सकते हैं पर। चलिए तो मैं अबाउट फोन में जाके दोनों फोनों का फीचर दिखा देता, दोनों फोन को ही आपको देखने को मिलता है, आपको देखने को मिल रहा है ए ऑक्टा कोर 1.4 गीगाहर्ट्ज का है जो MIUI वर्जन 8.0.3। एंड्रॉइड वर्जन आप पहले दिखा दीजिए। एंड्रॉइड वर्जन तो मार्शमेलो है, इसका मार्शमेलो पहले से, मेरा लॉलीपॉप कुछ दिन पहले अपडेट दिया यार, सो तो गेम भी स्टार्ट हो गया। चलिए खेलता हूँ यार, मुझे भी खेलने का शौक है, मुझे भी खेलता। तो लॉलीपॉप वाला थोड़ा पढ़ लेगा, मैं ना देखे कैसे खेलूं यार, मैं आउट हो गया भाई, ये देख मेरा खेलना हो गया ए भाई, आउट हो गया भाई। 2GB रैम, 2GB रैम और 32GB टोटल एक्स्ट्रा इंटरनल देता है, लेकिन इसमें 23.93GB अवेलेबल मिलता है। अच्छी बात है। सीपीयू इसमें को देखना है, हेक्सा कोर मैक्स 1.8 गीगा प्रोसेसर, 2GB रैम का आता है, इंटरनल आपको 16GB मिलता है, इसके ज्यादा नहीं, कर्नल वर्जन भी ये ठीक ठाक है, और यहाँ पर कुछ सीपीयू अपने में बता तो जानते हैं इसका जो सिम है, एक सिम इजेक्टर टूल से खुला जाता है, अच्छी बात है। जो साइड में आपको हाइब्रिड शॉट मिला दोनों में, एक अच्छी बुरी बात है, 4000 mAh दोनों के फोन में, पर 4100 mAh की बैटरी ऐसा आपको मिल जाता है सिम, और ये सिम स्लॉट है इस फोन में, ऐसा मेरा 4 SIM स्लॉट नहीं खोलने का, दिखाना का कोई कुछ नहीं है, तो ठीक है, शुड नॉट बाय या बाय योर चॉइस। तो मैं नीचे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देता हूँ और दे भी दूंगा, तो आप जाइए खरीद सकते हैं दोनों में जिसी फोन आप चाहे, तो साइड बाय साइड अगर कंपेरिजन आप चाहेंगे तो वो भी हम डाल देंगे, कोई बात नहीं। तो आज कुछ कहना है? नहीं और कुछ नहीं, ये जो ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन दोनों फोन ही अच्छा है, Redmi 3S उससे ज्यादा अच्छा है, हाथ में फिट आती है, ऊपर रिमोट सेंसर तो है ही, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे आपके टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह, सब कुछ आप ऐसे ये आप देखते, जिसको कहते हैं हम लोग आयर ब्लास्टर, जो सेंसर जो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आयर ब्लास्टर, और इसमें भी शायद आपको मिल जाता है, देख लेते हो मिल जाता है, देखिए ये इसका शेप वाला था, इसका शेप वाला था, पर काम एक ही। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको अगर पसंद आए तो बहुत अच्छे, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक के साथ, तो दोनों फोन ही है अच्छे भाई, तो नहीं कहना तो हम बोलते टेक केयर एंड गुड बाय, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए, बाय बाय, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि नए नए अपडेट के लिए तो आज के लिए चाहिए, ये जय हिंद दे दिया तो एक साथ दे दोगे क्या यार, दे दो यार, जय हिंद, टेक केयर।